हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो इंटरव्यू के क्वेश्चन सीक्वेंस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, नहीं फोर्थ पार्ट है, माफ कीजिएगा। हमने फर्स्ट पार्ट किया, सेकेंड किया एंड थर्ड किया। ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम बना रहे हैं। और इसमें क्या जानी, एक सिंपल सा डेटा है। अब इंटरव्यू में इसी तरह का डेटा दिया जाता है। आप सोचेंगे कि सर ये तो छोटा सा डम्मी डेटा आपने रखा है। तो इंटरव्यू में ऐसे छोटे डेटा दी जाती है, इस पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्रिएट द पिवट टेबल द बिलो डेटा। तो चलिए हम सबसे पहले पिवट टेबल क्रिएट करते हैं द बिलो डेटा, और हम इसी के सामने ही करते हैं ताकि हम हाथों हाथ देख भी सके कि आखिर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पिवट टेबल क्रिएट कर। दूसरा है कि सम ऑफ द मंथ वाइज कलेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड। तो हमने यहाँ पे मंथ दिया और यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड एंड कलेक्टेड हमने दे दिया। पहला हमारा यहाँ पे हो गया। थर्ड बोलना है कि ऐड द फॉर्मूला इनसाइड पिवट सो द डिफरेंस परसेंटेज फ्रॉम द फर्स्ट रो 100 एंड दे आर डिफरेंटेड। तो ये कलेक्टेड पे हमें देना है। तो कलेक्टेड को एक बार हम और यहाँ रख देते हैं और यहाँ हम वैल्यू फील्ड में जाते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस परसेंटेज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस के लिए तो है, लेकिन परसेंट यहाँ पे डिफरेंस फॉर्म तो है, रनिंग टोटल परसेंटेज भी है, लेकिन इसकी फर्स्ट रो अगर 100 है, ओके, एक्सपेक्टेड एंड कलेक्टेड के बीच में हमें निकालना है, माफ़ कीजिएगा हम गलत कर दिए, यहाँ एक्सपेक्टेड और कलेक्टेड के बीच में हमें इसका डिफरेंस निकालना है। तो हम यहाँ कलेक्टेड 2 को हटा देते हैं और जाते हैं पिवट टेबल एनालाइज में, पिवट टेबल कैलकुलेटेड फील्ड। अब इसमें मुझे कलेक्टेड माइनस एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे हम परसेंटेज का सिंबल दे देते हैं या फिर जो भी हेडिंग देना दे दीजिए, और ब्रैकेट में हमें ग्रोथ निकालना है ना, तो कलेक्टेड माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड। जैसे कि यहाँ पे 100 है और 110 है तो 10% आना चाहिए। इंसर्ट फिल हमने कर, then add, then okay. यहाँ आ गया। अब इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर देते हैं। सेलेक्ट कीजिए, परसेंटेज में कर देते हैं, उसके बाद इसको हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे रो लेवल वगैरह है तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक रिपोर्ट बना देते हैं, क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जस्ट बोल दिया वैसे लगाया मत, कुछ अपने तरफ से भी एक्सपेक्ट ये कीजिए, एडिशन कीजिए, ताकि सामने वाले बंदे को पता चले कि हाँ ये अप्लाई, ये अपना भी माइंड अप्लाई कर रहा है। और इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग है हमारा, फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ डिजाइन में नॉर्मल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि डिजाइन करें, क्योंकि पिवट टेबल में मोस्टली हम डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पिवट टेबल का पार्ट हो जाता है। अब यहां पे भी परसेंटेज का हम कर देते हैं, अब फाइनली रिपोर्ट हमारा तैयार हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन ही हमने क्वेश्चन में पिवट टेबल के ऊपर किया, और इंटरव्यू में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको अपने ढंग से करें। बंदा ये नहीं देखता कि उसने कर दिया, वो भी देखता भी है कि कैसे किया है इसने, क्या यूज किया है, और उसी से आपका तय होता है कि आप सिलेक्टेड होंगे या रिजेक्टेड होंगे। अगले वीडियो में हम पांचवें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने आने वाले इस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस के सीरीज को आप देख सकें, समझ सकें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको अपने टॉपिक में वीडियो बनानी हो, क्योंकि ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन किसी ने मुझे भेजा है, तो हम आए चैनल में सिर्फ यही नहीं है कि मैं जस्ट टॉपिक ही देता हूँ, हम आप लोगों की प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो भी बनाते हैं। तो
सो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू।